हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं समद नगर में। जो समद नगर का वो रास्ता आप यहां पर दिखाइए ज़रा, जो यहां से स्टार्ट होता है और धीरे 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 ये रास्ता आते हुए समदिया स्कूल की तरफ जाता है। तो आज हम यहां पर मौजूद हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जो रास्ता है वो बनने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि नगर पालिका की लापरवाही है। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जो यहाँ पर जो जिनकी ज़मीनें हैं उनकी आपसी लड़ाई की वजह से ये प्रॉब्लम है, या और भी कुछ कह लीजिए, नगर सेवक हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुनने में आ रही कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन कहना यही चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदार हैं इसके, फिर चाहे वो नगर सेवक हो, फिर चाहे वो ट्रस्टी हो, फिर चाहे वो जिनकी ज़मीन हो या जो भी इसके ज़िम्मेदार हो, उनका ये क्या फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस रास्ते से स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो क्या इन रास्तों को उनके लिए ठीक नहीं करवाया जा सकता? तो चलिए यहाँ से कुछ लोग जो गुजरते हैं उनसे बात करते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो इस रास्ते पर आने जाने वाले बच्चे, टीचर्स और उनके पेरेंट्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानेंगे इस रास्ते के बारे में। उनसे बताइए मैम, क्या दिक्कत है यहाँ पर? आने जाने के लिए रहता नहीं है रास्ता। अभी थोड़ी सी बारिश होगी पूरा पानी भर जाता है, फिर गिरते पड़ते रहते हैं। उस दिन तो हम लोग रिक्शा भी अटक गई थी, रिक्शा भी कैसे लेके जाए। अब बनाने के लिए भी कोई नहीं है, बोलते यहाँ किसी की प्रॉपर्टी है तो वो बना नहीं रहे। हाँ जी, आप बोलिए कुछ। तो प्रॉपर्टी है तो फिर अब इंसान आने जाने लग गए तो आपकी भी तो जिम्मेदारी ना कि जा रहे तो उनको रास्ता देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, आपके लिए तो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे कुछ बनेंगे तो आपका ही नाम रोशन करेंगे, तो क्या आप रास्ता नहीं दे सकते उनको? थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, हम लोग आए जाएंगे। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गिरते हैं पड़ते हैं और कितनी ज़्यादा, इतने कीचड़ इतने इतने पानी रहते हैं, पता चलने नहीं जमता है। और दूसरी बात, हम लोग लड़की हैं, कहीं गिर गए तो लड़कियों को ज़्यादा ही शर्म आती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा समझ के लेना चाहिए। और हम लोग कॉलेज क्या कहना चाहेंगे, स्कूल के ट्रस्टी हो या यहाँ के काउंसलर हो या जो जिम्मेदार है, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको बना दीजिए, ताकि हमारे, हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, इसके बाद जो और है उन लोगों को भी, हमारी वजह से और लोगों का भी फायदा हो। आपके बच्चे रहेंगे, आपके यहाँ जाएंगे और पता चले वही आते आते गिर पड़ जाए, टांग तोड़ के जाएंगे वापस। फिर आप, हमें तो नहीं लगता कि उनके बच्चे यहाँ से जाते होंगे, क्योंकि अगर उनके बच्चे यहाँ से जाते होते तो ये रास्ता ऐसा नहीं होता। क्या, तो क्या? समझ में आ जाता अगर उनके गिरे होते उनके बच्चे। दूसरी बात और है, खुदा ना खास्ता वायर वगैरह भी यहाँ पर है, पानी भरा थे, कनेक्शन अगर हो गया जो जाएगा उसकी जान का भी खतरा हो सकता है, थोड़ा समझ के लेना चाहिए था। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जो मेरी अम्मी है वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, तो वो बोलते हैं कि जो मैं बचपन में पढ़ी थी तो जब वो टाइम पे भी ये रास्ता वैसी था और अभी भी वैसी ही है। तो अगर हम लोग कुछ करना है या हम लोग रास्ता बनवाना है, अगर सही करवाना है तो हम लोग का ही करना पड़ेगा कुछ। और इसके लिए हम लोग स्कूल में बोले भी थे तो वो लोग क्या बोले, क्या जो ये जगह जिसकी है ना, वो लोग है ना बनवाते नहीं है। हाँ, वो लोग की जगह है, दो भाई है शायद, उन लोग की प्रॉपर्टी है तो उन लोग की जगह वो नहीं बनवाते, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या आप उनको क्या कहना चाहेंगे, अगर वो दो भाई लोग प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ रहे हैं और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? तो उनके लिए तो हम लोग की बस रिक्वेस्ट रहेगी, हाँ, और कुछ दूसरों की चीज़ों में हम खलल नहीं डाल सकते, बस रिक्वेस्ट करो, कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी भाई। आप लोग यहीं से आते जाते हैं? इधर से आते जाते रहते भाई। बताइए जरा क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पर? अरे बताने की क्या बात, इतना अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है भिवंडी की शान हो गई। अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, भिवंडी की शान है, खड्डा मेरी जान है। अच्छा, वो हिसाब से, वो हिसाब से। आप कुछ कहेंगे इस रोड के बारे में? कुछ बोल, रोड का हालत ऐसा है ना कि रोड पे खड्डा है कि खड्डे में रोड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, गाड़ी का वाट लगता है, बच्चे लोग आते जाते हैं स्कूल, वो तकलीफ है। और ये साफ सफाई पे कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि कॉरपोरेशन को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये तकलीफ क्यों है। बस उनको घर पट्टी, नल पट्टी, पाइप काटने का, मोटर उखाड़ने का वही काम आता है, नज़र आता है, ये नज़र नहीं आता, बाकी कुछ नज़र नहीं आता उन लोग को। ये जो रोड नहीं बन रहा है तो जो जिम्मेदार है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, सब नेता एक ही है, सब नेता हमारी जान है, किसको बोल के भी गलत है। आपकी नज़रिए में सब बेहतरीन है, कुछ भी हो जाए सब अच्छा है, इन्जॉय करो। इन्जॉय कर रहे हैं, बस लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं, अपने आप लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ड्रेस ख़राब हो जाता है तो सर मारते भगा देते घर। अच्छा, कुछ रहने वाले और कुछ स्टूडेंट्स जो इस रास्ते से गुजरते हैं, पहले पूछेंगे स्टूडेंट्स से। जी भाई, क्या क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? मतलब हमको जाने से, मतलब ये गड़ा गुड्डी, मतलब जैसा देख सकते हैं आप, पत्थर बड़े बड़े रहते हैं, चलने में मतलब मिस्टेक होता है, और ये मतलब पानी वगैरह है, चलो तो मतलब आँख के ऊपर आता है। और इधर
आज तक मतलब भर जाता है तो चलने में तकलीफ होती है हमको। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके बारे में, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि ये रोड बनाए कि ना बनाए, क्या कहना चाहेंगे? जो इधर के नगर सेवक हम उनको बोलेंगे कि मतलब बनाइएगा जल्दी से जल्द से जल्द। हाँ ठीक है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ से आते जाते हैं रोज़ का आना जाना। उबैद भाई ये रास्ता आज से 20 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसा ही है ये रास्ता, आए दिन बच्चे लोग स्कूल के यहाँ गिरते ही रहते हैं जब भी कुछ रास्ते का हल नहीं हो रहा, और डेनिश लाइन तो हमेशा बहते रहेगी। आप साल के 12 महीने देख लो बराबर, ये तो हम अभी भी देख रहे हैं कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है लेकिन फिर भी मौसम बिल्कुल सुहाना है, पूरा भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा रहता है, गाड़ी आए दिन गाड़ी बंद होती रहती है। ठीक है, शुक्रिया। ये जो रोड है बिल्डिंग के पास, ये बिल्डिंग है उसके ठीक नीचे ये रोड बना हुआ है, लेकिन आप रोड के बीच में देखेंगे तो ये कैसा खड्डा है, ये थोड़ा समझ के बाहर है कि ये पक्की रोड होने के बावजूद भी यहाँ पर खड्डा है और उस खड्डे के अंदर पूरा कीचड़ और गंदगी और लोग इसी तरफ से आते जाते हैं। को थोड़ा सा जो एडवेंचर ट्रिप होती है स्कूलों की तरफ से जो बच्चों को दिखाई जाती है वो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको कुछ ट्रिप और कुछ एडवेंचर चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जो शायद ही भिवंडी में किसी स्कूल के रास्ते में होंगी जो यहाँ पर है। आइए दिखाइए ज़रा ये सब। हम गुजर रहे हैं, ये वो रास्ता है जो समद नगर से होता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। आप देख लीजिए कि क्या हालत है इसकी, यहाँ पर कचरे से पूरा भरा हुआ, गंदगी से पूरा भरा हुआ। हमारे बच्चे जो है वो स्कूल जाते वक्त उनको ये फ्रेशनेस आना चाहिए कि भाई हम स्कूल जा रहे हैं, सुबह सुबह उठे हैं वो, और जिस रास्ते से वो गुजरेंगे वो रास्ता बेहतरीन होना चाहिए ताकि उनको स्कूल जाने में भी मन लगे। ऐसे रास्ते जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे रास्ते से जब बच्चे सुबह स्कूल गुजरेंगे, स्कूल जाने के लिए निकलेंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या ये उस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे? सुबह सुबह गंदगी, कीचड़, बदबू, ऐसे रास्ते से लोग गुजरकर स्कूल जा रहे हैं, बताइए मतलब कहाँ जा रहा है हमारा भिवंडी, कहाँ जा रहा है? तो ये जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ये एक वक्त था कि ये रास्ता बहुत ही अच्छा था, इस तरफ पूरे जंगल टाइप में सारी चीज़ें थी, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि ये रास्ता बिल्कुल भी बंद हो चुका है, लोग यहाँ से जाना पसंद नहीं करते, बल्कि बिल्डिंग के पीछे से वो बीच में से होते हुए आगे गुजरते हैं। क्यों? उसकी वजह यही है कि ये जो आप देख लीजिए, ये कैसे गुजरेंगे बच्चे यहाँ से, आप ज़रा सोचिए इसके बारे में। जो भी ज़िम्मेदार हैं वो एटलीस्ट एक बार यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आएँ और इसका फीडबैक लें, अपनी बीवी बच्चों को साथ यहाँ पर आया, उनको खड़ा करें यहाँ पर और पूछें उनसे, क्या आप लोग यहाँ से गुजरकर स्कूल जा सकते हो? अगर वो बच्चा बोलता है हाँ हम लोग जा सकते हैं तो ठीक है छोड़ दीजिए, लेकिन जवाब आपको नहीं मिलेगा कि भाई हम यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ पर बहुत गंदगी है, बहुत कीचड़ है, तो क्यों नहीं बनाया जा रहा है आखिर इसको टेम्पररी? सही, एटलीस्ट इतना बना दीजिए कि जब तक बारिश है, जब तक यहाँ पर कीचड़ होता है, तब तक के लिए लोगों को राहत मिल जाए ताकि बच्चे जो है वो बआसानी यहाँ से घर तक जा सके और स्कूल से घर तक जा सके। आप देखिए दोनों तरफ जो है तो बिल्डिंग के जो चैम्बर्स है उस चैम्बर्स के भर के बहने की वजह से जो है तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप देख लीजिए कि हम किस तरीके से यहाँ पर गुजर रहे हैं, तो बच्चे कैसे जाएंगे, उनको तो नहीं समझता, उनके कदम इतने लंबे लंबे या इतने बड़े नहीं होते कि वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर अपना पैर रख कर जा सकें, वो तो बिल्कुल इस कीचड़ में घुस जाएंगे और अपना पूरा ड्रेस और अपना पूरा जिस्म जो है तो वो ख़राब कर लेंगे। जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रास्ता मैं समझता हूँ कि बारिश के पानी से कम बिल्डिंग के चैम्बरों से ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। आप देखिए ये पूरी बिल्डिंग है जो यहाँ से वहाँ तक है, ये सारी बिल्डिंगों के चैम्बर देखिए आप भर कर बह रहे, आप ज़रा यहाँ पर जूम करके दिखाइए, ये पूरा जो बिल्डिंग के चैम्बर्स हैं ये पूरे भर कर यहाँ पर बहने की वजह से जो है तो यहाँ पर ये पूरा इतना कीचड़ हो चुका है। उसके अलावा हमारे लोग ऐसे हो गए हैं कि कचरा फेंकने के लिए ना उनको कहीं आना जाना ना पड़े, वो अपनी खिड़की में से ही क्या करते हैं वहीं से निशाना लगाकर कचरा फेंकते हैं। ये देखिए ये रोड पर ही कचरे का पूरा अंबार लगा पड़ा हुआ है। तो आखिर क्या वजह है कि हमारे लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, जबकि उनको ये नहीं करना चाहिए। जहाँ पर कचरा कुंडी हो, जहाँ पर कचरा डाला जाता है वहाँ पर ले जाकर कचरा फेंकना चाहिए, तो आगे कचरा गाड़ी वहाँ से आकर उठा कर ले जाए, यहाँ से कौन उठा कर लेके जाएगा आप बताइए? कचरा गाड़ी वैसे भी शहरों के अंदर कचरा कलेक्ट करती नहीं है, तो ये अंदर अंदर कैसे आएंगे और कैसे उठाएंगे? ये क्या होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और इसकी वजह से गंदगी, बदबू और बीमारियाँ फैलती रहेंगी जो हमारे ही बच्चों को लगने वाली है। तो सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो भी बिल्डिंग वाले आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर कचरा फेंकने की बजाय कचरा कुंडी में कचरा फेंके। दूसरा, ये जो चैम्बर्स यहाँ पर भरे हुए हैं, ये जिन लोगों की जिम्मेदारी है, ये
कॉरपोरेटर की या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं कि वो आके आपका चैम्बर साफ करे। ये चैम्बर्स की साफ़ सफाई करना, जो बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने चैम्बर को जो है तो साफ़ सुथरा रखें, उसको वो टाइम टू टाइम वक्त पे उसकी सफाई कराते रहें, ताकि ये जो चैम्बर्स भर के यहाँ पर बह रहे हैं ये नहीं बहेंगे तो गंदा पानी सड़क पर नहीं आएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी।